देखिए अब हम एंट्रोपी कंसेप्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं डेल्टा एस ऑफ सिस्टम एंड डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग जब कोई भी प्रोसेस होता है तो उस प्रोसेस के दौरान सिस्टम की भी कुछ एंट्रोपी चेंज होती है और सराउंडिंग की भी एंट्रोपी चेंज होती है। डेल्टा एस ऑफ सिस्टम इज एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम। एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम एंड डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग इज एंट्रोपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग। डेल्टा एस ऑफ सिस्टम इज गिवन बाय डेल्टा क्यू ऑफ सिस्टम अपॉन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम एंड डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग इज गिवन बाय डेल्टा क्यू ऑफ सराउंडिंग अपॉन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। और हम कहते हैं वी मे कंसेप्चुलाइज डेल्टा एस टोटल टोटल चेंज इन एंट्रोपी। डेल्टा एस टोटल वुड बी डिफाइंड एज डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। The change in entropy of system plus the change in entropy of surrounding is the total change in entropy. देखिए आप जरा सोचिए, for example if you are a system, यदि आप एक system है, आप अपने आप को एक सिस्टम माने, देन योर फैमिली योर पेरेंट्स दे आर द सराउंडिंग। अब आप जरा सोचिए जब आपकी फैमिली आपको इधर पढ़ने के लिए भेज रही है, आपकी फैमिली आपकी एंट्रोपी बढ़ाने की कोशिश कर रही है, आपके ऊपर पैसा खर्च कर रही है, तो आपकी तो एंट्रोपी बढ़ाई जा रही है, मगर उस पैसे को खर्च करके आपके पेरेंट्स आपका सराउंडिंग वो अपनी एंट्रोपी कम कर रहा है। जब सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ाई जाती है तो कई बार ऐसा होता है कि सराउंडिंग की एंट्रोपी कम होती है, और हमें सिर्फ सिस्टम की एंट्रोपी चेंज को नहीं देखना चाहिए, हमें सिस्टम की एंट्रोपी चेंज देखने के साथ में सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज भी देखनी चाहिए, और दोनों एंट्रोपी चेंज को ऐड करके, दोनों की रैंडमनेस में जो चेंज आ रहा है उसको ऐड करके उसे टोटल चेंज इन एंट्रोपी कहना चाहिए। सिस्टम की एंट्रोपी चेंज हम इस तरह से निकालेंगे, सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज हम इस तरह से निकालेंगे। अब हम एक सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, इनफैक्ट दो सिचुएशन को हम एनालाइज करते हैं, और इस टोटल एंट्रोपी चेंज इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, और हम स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरियन को
इस टोटल एंट्रोपी चेंज के द्वारा कंसेप्चुलाइज करने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं दो प्रोसेस मेरे एग्जांपल में डिस्कस करूंगा। एक प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा, एक प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा। एक में एंट्रोपी बढ़ रही है, एक में एंट्रोपी घट रही है, मगर उन दोनों प्रोसेस में एक खास बात होगी, वो दोनों स्पॉन्टेनियस है। देखिए, हंड्रेड ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड केप्ट इन द रूम एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 ग्राम बर्फ ली 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इसको कमरे में खुला छोड़ दिया 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्या फिनोमेना होएगा? इट वुड गेट कन्वर्टेड इनटू 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यह एक स्पॉन्टेनियस फिनोमेना अपने आप होता है, इसके लिए कोई एक्सटर्नल एजेंट लगाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इनिशिएट कर दो फिर अपने आप होता चला जाता है। अब मैं दूसरा फिनोमेना बताता हूं। 100 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड at room temperature of 27 degree centigrade, it also gets converted into 100 grams of water at 100 degree centigrade. Now this is also a spontaneous process. इसे भी करने के लिए कोई एक्सटर्नल एजेंट लगाने की आवश्यकता नहीं है। यदि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपने स्टीम को रख दिया और वह रूम में छोड़ दिया 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो वह कंडेंस हो जाती है और कंडेंस होकर 100 ग्राम ऑफ वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट हो जाता है। इसे लेटेंट हीट ऑफ आइस इज 80 कैलोरी पर ग्राम, और इधर मैं जानता हूं लेटेंट हीट ऑफ स्टीम इज 540 कैलोरी पर ग्राम। मतलब एक ग्राम आइस जब वाटर में कन्वर्ट होता है तो 80 कैलोरी हीट एब्जॉर्ब करता है, और एक ग्राम स्टीम जब वाटर में कन्वर्ट होती है तो 540 कैलोरी हीट लिबरेट हो जाती है। इस बेसिस पर सबसे पहले मुझे बताओ इस केस में व्हाट इज डेल्टा क्यू ऑफ सिस्टम एंड व्हाट इज डेल्टा क्यू ऑफ सराउंडिंग। इसी तरह से इधर मुझे बताओ व्हाट इज डेल्टा क्यू ऑफ सिस्टम इन दिस केस एंड व्हाट इज डेल्टा क्यू ऑफ सराउंडिंग इन दिस केस। वी यूज टू से व्हेन 1 ग्राम ऑफ आइस गेट्स कन्वर्टेड इनटू 1 ग्राम ऑफ वाटर
80 कैलोरी ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड। यह एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। डेल्टा क्यू पॉजिटिव होएगा एंड इट इज गिवन बाय एम इंटू एल। एम इज मास ऑफ आइस, एल इज लेटेंट हीट। दिस वुड बी प्लस 100 इंटू 80 कैलोरीज। जब 100 ग्राम आइस 100 ग्राम वाटर में कन्वर्ट होएगा तो वहां पर डेल्टा क्यू इज प्लस 8000 कैलोरीज। मीन्स 8000 कैलोरीज ऑफ हीट वुड बी एब्जॉर्ब्ड बाय द आइस व्हेन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। अब मुझे ये बताओ, ये हीट आइस, ये जो हीट है जो आइस एब्जॉर्ब कर रहा है, कहां से कर रहा है? इट्स एब्जॉर्बिंग फ्रॉम द सराउंडिंग से वो हीट को खींच रहा है। और यदि वह सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब सराउंडिंग आइस को हीट दे रहा है। तो सराउंडिंग के लिए तो ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो गया। सराउंडिंग इस प्रोसेस को करने के लिए हीट दे रहा है। डेल्टा क्यू ऑफ सराउंडिंग इज माइनस ऑफ डेल्टा क्यू ऑफ सिस्टम, इट्स माइनस ऑफ 8000 कैलोरीज। जितनी हीट सिस्टम ले रहा है उतनी हीट सराउंडिंग दे रहा है, जबकि इस प्रोसेस के लिए यदि यही कैलकुलेशन मुझको करना है, 100 ग्राम स्टीम जब 100 ग्राम वाटर में कन्वर्ट हो रही है, स्टीम जब वाटर में कन्वर्ट होती है तो हीट रिलीज होती है, डेल्टा क्यू इज नेगेटिव। और 1 ग्राम स्टीम जब वाटर में कन्वर्ट होती है तो 540 कैलोरीज हीट लिबरेट हो जाती है। एम ग्राम्स स्टीम जब वाटर में कन्वर्ट होगी तो हीट लिबरेट होगी माइनस 100 इंटू 540 कैलोरीज। वी यूज टू से व्हेन 100 ग्राम ऑफ स्टीम gets converted into 100 grams of water, this much amount of heat would be liberated. अब what is delta Q of surrounding? भाई ये heat liberate कहां हुई है? ये heat liberate हुई है surrounding में। Steam ने heat liberate करी है, surrounding ने वो heat absorb कर ली है। और surrounding ने heat absorb कर ली है, means delta Q of surrounding is minus of डेल्टा क्यू ऑफ सिस्टम। सिस्टम ने जो हीट लिबरेट करी वह सराउंडिंग ने एब्जॉर्ब करी, इट्स 54000 कैलोरीज। आइस का वाटर में कन्वर्ट होना यह एक एंडोथर्मिक फिनोमेना है। स्टीम का वाटर में कन्वर्ट होना यह एक एक्सोथर्मिक फिनोमेना है। दोनों की एंथैल्पी अलग अलग है, एक की एंथैल्पी पॉजिटिव, एक की एंथैल्पी नेगेटिव। अब जरा हम एंट्रोपी के बारे में सोचें। डेल्टा एस ऑफ सिस्टम निकालते हैं और डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग निकालते हैं। इधर भी हम डेल्टा एस ऑफ सिस्टम, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम और चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। हम कहते हैं चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इज डेल्टा क्यू ऑफ सिस्टम अपॉन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। डेल्टा क्यू ऑफ सिस्टम अपॉन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, जो डेफिनेशन मैंने लिखी थी, डेल्टा क्यू ऑफ सिस्टम इज प्लस 8000 और सिस्टम इस हीट को लिबरेट कर रहा है 273 केल्विन पर। टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में सब्स्टिट्यूट करा जाए,
डेल्टा क्यू डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग एस आई डिफाइंड यू, इट्स डेल्टा क्यू ऑफ सराउंडिंग अपॉन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग. डेल्टा क्यू ऑफ सराउंडिंग इज माइनस 8000, सराउंडिंग 8000 कैलोरीज हीट लिबरेट कर रहा है, मगर सराउंडिंग जो हीट लिबरेट कर रहा है वो किस टेम्परेचर पर लिबरेट कर रहा है? सराउंडिंग का जो भी कुछ हीट ट्रांसफर हो रहा है वो कांस्टेंट टेम्परेचर 300 केल्विन पर हो रहा है. चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज 300. दिस इज डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग. यदि कैलकुलेटर हो तो जरा फटाफट कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू बताइए. इन द मीन टाइम मैं इस सिचुएशन के लिए डेल्टा एस ऑफ सिस्टम और डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग लिख देता हूं. वंस अगेन द सेम डेफिनेशन, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम इज डेल्टा क्यू ऑफ सिस्टम अपॉन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम. डेल्टा क्यू ऑफ सिस्टम की जगह पर मैं लिखूंगा माइनस 54000 कैलोरीज अपॉन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम. सिस्टम किस टेम्परेचर पर हीट को लिबरेट कर रहा है? सिस्टम इज लिबरेटिंग हीट एट द टेम्परेचर ऑफ 373 केल्विन. डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग क्या है? इट्स डेल्टा क्यू ऑफ सराउंडिंग अपॉन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग. डेल्टा क्यू ऑफ सराउंडिंग इज प्लस 54000 अपॉन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज 300. इसी समय डेल्टा एस ऑफ सिस्टम और डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करके क्या मुझे बताएंगे? हाँ जी somebody finish the calculation or not? माइनस 26.66 यह तो मुझे दिख रहा है 29.13 और इस जगह पर प्लस 180 और इधर माइनस में क्या है बताएंगे मुझे? 144. चलिए अब मैं पॉइंट नहीं लिखता हूं, कैलोरीज पर केल्विन और इधर भी कैलोरीज पर केल्विन, द यूनिट वुड बी कैलोरीज पर केल्विन. अब आप देखें जब मैंने डेल्टा एस ऑफ सिस्टम निकाला इधर एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है और इधर एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है. मतलब मैं कहना चाहता हूं दोनों फिनोमेना में एंथैल्पी क्राइटेरियन जस्ट अपोजिट है. इधर एंथैल्पी पॉजिटिव, इधर एंथैल्पी नेगेटिव. दोनों फिनोमेना में एंट्रोपी क्राइटेरियन भी जस्ट अपोजिट है. इधर एंट्रोपी पॉजिटिव, इधर एंट्रोपी नेगेटिव. मगर इन दोनों फिनामना में एक कॉमन बात है और वो यह दोनों ही फिनामना स्पॉन्टेनियस है. यह दोनों फिनामना होते हैं. इन दोनों फिनामना को अकर होने में किसी तरह के कोई एक्सटर्नल एजेंट की आवश्यकता नहीं है. फिर इन दोनों फिनामना में कॉमन बात क्या है? इन दोनों फिनामना में कॉमन बात को समझने के लिए अब हम टोटल चेंज इन एंट्रोपी निकाल कर देखते हैं और हमें एक कॉमन फैक्टर दोनों में दिखने लगेगा. टोटल एंट्रोपी इज डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग. डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग करके देख लीजिए
व्हाट इज दिस टोटल इक्वल टू, व्हाट इज दिस टोटल इक्वल टू, टोटल चेंज इन एंट्रोपी इज डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग. This is plus 3, नहीं इसमें ये plus 29 है, ये minus 26 है, तो 2 point something आएगा, ये plus 2.64 something, plus 2 point something, और इस जगह पर 180 माइनस 144 प्लस 36 कैलोरीज पर कैलोरी. हियर आई ऑब्जर्व अ कॉमन फैक्टर, द टोटल चेंज इन एंट्रोपी इन बोथ द केसेस अ पॉजिटिव वैल्यू. टोटल चेंज इन एंट्रोपी से खास मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं कि प्रोसेस एंडोथर्मिक है या प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, इससे कोई मतलब नहीं कि एंथैल्पी पॉजिटिव है या एंथैल्पी नेगेटिव है, इससे कोई मतलब नहीं कि सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ रही है या सिस्टम की एंट्रोपी घट रही है. खास मतलब होता है टोटल चेंज इन एंट्रोपी से. यदि किसी भी फेनोमेना के दौरान, किसी भी प्रोसेस के दौरान टोटल एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, टोटल एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है. देखिए इस प्रोसेस के दौरान भी टोटल एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव, मतलब एंट्रोपी, टोटल एंट्रोपी बढ़ रही है. इस प्रोसेस के दौरान भी टोटल एंट्रोपी पॉजिटिव, मतलब टोटल एंट्रोपी बढ़ रही है, तो वह प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा. एंड हियर वी कंक्लूड द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. हियर वी कंक्लूड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स विच सेज दैट टोटल एंट्रोपी ड्यूरिंग एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑलवेज इंक्रीजेस, इट्स ऑलवेज पॉजिटिव. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स टोटल एंट्रोपी ड्यूरिंग एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑलवेज इंक्रीजेस. Total entropy during any spontaneous process always increases. किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के दौरान टोटल एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है. डेल्टा एस टोटल इज ऑलवेज पॉजिटिव और डेल्टा एस टोटल इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो फॉर
एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के दौरान टोटल एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है. जरा सोचिए, नाउ दिस इज फुल एंड फाइनल कंसेप्ट, फुल एंड फाइनल क्राइटेरियन टू जज द स्पॉन्टेनिटी ऑफ एनी प्रोसेस. किसी भी तरह का प्रोसेस हो, आप सिस्टम की एंट्रोपी चेंज निकालो, सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज निकालो, दोनों को ऐड करके टोटल एंट्रोपी चेंज निकाल लो, और टोटल एंट्रोपी चेंज यदि पॉजिटिव वैल्यू दिख रही है, ग्रेटर देन जीरो दिख रही है, तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा. टोटल एंट्रोपी चेंज यदि नेगेटिव दिख रही है, लेस देन जीरो दिख रही है, इसका मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस होगा. तो आप एक बात सोचो, इसका मतलब हुआ कि हर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के दौरान एंट्रोपी बढ़ती है. अब जरा सोचिए, यह यूनिवर्स जब से एग्जिस्टेंस में आया है तब से लेकर आज तक, क्या कोई भी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आज तक हुआ है? कभी नहीं. यह यूनिवर्स जब से एग्जिस्टेंस में आया है तब से लेकर आज तक इस यूनिवर्स में कोई नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं हुआ है. क्योंकि यदि वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो होगा ही नहीं, और यदि वो हुआ है तो स्पॉन्टेनियस है. क्या इस समय, इस इंस्टेंट पर, इस यूनिवर्स में कहीं पर भी कुछ भी नॉन स्पॉन्टेनियस फिनोमेना हो रहा है? यदि वो नॉन स्पॉन्टेनियस है तो होने नहीं है. और जो भी कुछ इस यूनिवर्स में इस समय पर, इस इंस्टेंट पर हो रहा है, वो सब कुछ स्पॉन्टेनियस है. मतलब कि यह यूनिवर्स जब से एग्जिस्टेंस में आया है तब से इस यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ ही रही है. टोटल एंट्रोपी यूनिवर्स की बढ़ रही है, क्योंकि हर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के दौरान यूनिवर्स टोटल एंट्रोपी बढ़ती है. तो जब से यह यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आया है तब से हर चीज, हर फिनोमेना, हर जगह पर स्पॉन्टेनियसली होती जा रही है, तब से पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ ही रही है. और इस समय पर भी इस यूनिवर्स में जो भी कुछ हो रहा है, जहां पर भी हो रहा है, वह सब कुछ स्पॉन्टेनियस है. इसका मतलब इस यूनिवर्स में हर जगह पर इस समय पर भी एंट्रोपी बढ़ती जा रही है. आगे भी, कल भी, परसों भी, साल भर बाद, थ्रू आउट फॉरएवर, इस यूनिवर्स में कभी भी कुछ भी नॉन स्पॉन्टेनियस होगा क्या? कभी भी नहीं होगा. इस यूनिवर्स में आगे भी ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो नॉन स्पॉन्टेनियस. आगे भी जो भी कुछ होना है वहां सब कुछ स्पॉन्टेनियस है, और आगे भी इस यूनिवर्स में टोटल एंट्रोपी बढ़ते ही जाना है. मतलब यह यूनिवर्स जब से एग्जिस्टेंस में आया है इसकी एंट्रोपी बढ़ रही है, अभी भी इस यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है, और आगे भी इस यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ती ही जाएगी. दिस इज इन फैक्ट बिग बैंग थ्योरी. यही वह बिग बैंग थ्योरी है विच सेज दैट यूनिवर्स इज एवर एक्सपांडिंग. यूनिवर्स फैलता ही जा रहा है, यूनिवर्स की रैंडमनेस बढ़ती ही जा रही है, यूनिवर्स की फ्रीडम बढ़ती ही जा रही है, यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ती ही जा रही है. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स may also be stated in this manner. It says that entropy of universe is ever increasing, randomness of universe is ever increasing. Entropy of universe is ever increasing.
और यू ऑल्सो सेज दैट रैंडमनेस ऑफ यूनिवर्स इज एवर इंक्रीजिंग. This is in fact Big Bang Theory. The theory which explains us the origin of universe as well as the behavior of universe. क्योंकि यह universe strong फैलता जा रहा है इसलिए इस यूनिवर्स में सभी सिस्टम की यह टेंडेंसी है कि वो अपनी आजादी को बढ़ाएं, अपनी रैंडमनेस को बढ़ाएं. दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स विच एक्सप्लेन्स अस. इसके द्वारा हम यह समझ सकते हैं, इसके द्वारा हम यह पता लगा सकते हैं कि कोई सा भी प्रोसेस कब स्पॉन्टेनियस होएगा या कब स्पॉन्टेनियस नहीं होएगा, कोई सा प्रोसेस होएगा या नहीं होगा. मैं एक छोटी सी चीज और बता देता हूं जो अभी तक मैंने नहीं बताई है. चेंज इन एंट्रोपी जो मैंने डिफाइन करा है डेल्टा क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर. दिस डेल्टा एस इज गिवन इन, इसकी जो यूनिट होगी इट वुड बी आइदर जूल पर केल्विन और कैलोरीज पर केल्विन. जनरली हम डेल्टा एस को जूल्स पर केल्विन में निकालेंगे या कैलोरीज पर केल्विन में निकालेंगे. इट्स एसआई यूनिट इज जूल पर केल्विन. द स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट इज जूल्स पर केल्विन एंड वन जूल पर केल्विन इज ऑल्सो टर्म्ड एज वन एंट्रोपी यूनिट. इन शॉर्ट वी कॉल इट वन ईयू. मुझे एंट्रोपी इंट्रोड्यूस करते समय बताना था पर अभी बता दिया मैंने. चेंज इन एंट्रोपी जिसको हम डेल्टा क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर लिखते हैं, इसको जब हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एस की यूनिट या तो जूल्स पर केल्विन लिखेंगे, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में सब्स्टिट्यूट करा जाए और डेल्टा क्यू या तो जूल में सब्स्टिट्यूट करेंगे या कैलोरीज में. जनरली हम सीजीएस यूनिट अर्ग्स का इस्तेमाल रेयरली करते हैं, कभी नहीं करते. हम एग्जामिनेशन में जूल्स और कैलोरीज का ही इस्तेमाल करते हैं. तो डेल्टा एस इज गिवन इन जूल्स पर केल्विन और कैलोरीज पर केल्विन. एसआई सिस्टम में, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम में यदि हम काम कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट होता है जूल्स पर केल्विन, जूल्स पर केल्विन. एंड वन जूल पर केल्विन इज ऑल्सो टर्म्ड एज वन एंट्रोपी यूनिट. इसको वन एंट्रोपी यूनिट भी कहते हैं और वन ईयू, ईयू लिखा है मतलब समझ जाइए एंट्रोपी यूनिट है. मैं इधर एक बात और बताता हूं. फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हमने कंडीशन क्या बताई थी. एडियाबेटिक प्रोसेस वहां होता है जिसमें डेल्टा क्यू जीरो होता है. इफ हीट ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस इज जीरो तो उसको हम एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं. और यदि प्रोसेस के दौरान हीट ट्रांसफर्ड जीरो हो गया
तो हीट ट्रांसफर के जीरो हो जाने से एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस, डेल्टा एस ड्यूरिंग द प्रोसेस यह जीरो हो जाएगा, और डेल्टा एस ड्यूरिंग द प्रोसेस यदि जीरो हो गया तो इनिशियल एंट्रोपी और फाइनल एंट्रोपी सेम हो गई, मींस एंट्रोपी कांस्टेंट हो गई। उस प्रोसेस के दौरान एंट्रोपी कांस्टेंट हो गई, हेंस इट्स आल्सो कॉल्ड, इसीलिए हम इसे आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस भी कहेंगे। इसीलिए एडियाबैटिक प्रोसेस को हम आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस भी कहते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है, और जब एंट्रोपी कांस्टेंट है, जैसे टेम्परेचर कांस्टेंट तो आइसोथर्मल, प्रेशर कांस्टेंट तो आइसोबारिक, वॉल्यूम कांस्टेंट तो आइसोकोरिक, एंट्रोपी कांस्टेंट तो आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस को हम आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस भी कहते हैं। This is second law of thermodynamics. By the help of second law of thermodynamics, we comment over the spontaneity of any process. किसी भी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी को कमेंट करने के लिए हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम कहते हैं टोटल एंट्रोपी चेंज यदि पॉजिटिव है, टोटल एंट्रोपी यदि इंक्रीज हो रही है, सिस्टम और सराउंडिंग की दोनों की एंट्रोपी मिला दीजिए, पहले सिस्टम की एंट्रोपी निकालिए फिर सराउंडिंग की एंट्रोपी निकालिए, दोनों की एंट्रोपी को डिटरमाइन करने के बाद दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड करने पर यदि वह पॉजिटिव वैल्यू आती है तो वह प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होएगा, मगर यदि वह निगेटिव वैल्यू आती है तो वह प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यह भी मतलब है कि पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ती जा रही है, पूरे यूनिवर्स की रैंडमनेस बढ़ती जा रही है, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज एवर इंक्रीजिंग, रैंडमनेस ऑफ यूनिवर्स इज एवर इंक्रीजिंग। अब ठीक है, हमने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझ लिया, एक सारा कंसेप्ट समझ लिया, पर अभी भी एक समस्या है, और अभी भी यह समस्या है कि जो हमने कंसेप्ट, जो हमने क्राइटेरियन बनाया है वो बड़ा पकाऊ कंसेप्ट है, बड़ा उबाऊ है। किसी भी प्रोसेस को पहले हम देखेंगे, प्रोसेस को देखने के बाद उसके हम चेंज इन एंट्रोपी निकालेंगे, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम निकालने के लिए डेल्टा क्यू ऑफ सिस्टम अपॉन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग के लिए डेल्टा क्यू ऑफ सराउंडिंग और टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, फिर इस तरह से डेल्टा क्यू सिस्टम, डेल्टा क्यू ऑफ सराउंडिंग निकाल, सराउंडिंग निकालने के बाद फिर डेल्टा एस ऑफ सिस्टम और डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग निकालने के बाद फिर दोनों को ऐड करना, फिर पॉजिटिव नेगेटिव देखना, बहुत लंबा है। मतलब किसी भी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी या नॉन स्पॉन्टेनिटी को जज करने में हमें बहुत समय लग जाएगा, वी नीड टू डू लॉट ऑफ कैलकुलेशंस। मुझे बस यही एतराज है, मुझे कोई और भी छोटा और भी स्लीक मेथड चाहिए, मैं देखते से ही जरा सा कैलकुलेशन करके एक इक्वेशन लगा के वो छोटा सा कैलकुलेशन करके एकदम से बता सकूं कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, प्रोसेस होगा या नहीं होगा। मैं इससे और भी कोई बेहतरीन मेथड डिवाइस करना चाहता हूं, डिजाइन करना चाहता हूं, एंड दैट वॉज डन बाय अनदर साइंटिस्ट, we call him Gibbs, when he suggested his concept of Gibbs energy. मैं मेरे कल का दिन का लेक्चर Gibbs energy concept और Gibbs के concept को समझाने में ही बिताऊंगा, और कल के दिन इस टॉपिक को पूरी तरह से कराऊंगा, आज के दिन इतना ही कराता हूं, एग्जैक्टली यहां से कल के दिन कंटिन्यू करूंगा। गुड बाय, गुड डे, बाय बाय।